हे गाइस, ये हमारे ब्लॉग का थर्ड पार्ट है। आप लोगों ने दो पार्ट देख लिए हैं। और गाइस प्लीज़ माइंड मत करिएगा, आप लोग सोच रहे होंगे कितना बड़ा ब्लॉग था ये। जी हाँ गाइस, ये बहुत ज़्यादा बड़ा ब्लॉग हो गया था, इसलिए मैंने इसको तीन पार्ट में करके आप लोगों के साथ में शेयर किया है। और आपको पता ही है, इसके दो वीडियोज़ आपने देखे हैं, आपको कितना मज़ा आया होगा। तो यहाँ पर दीदी का जो लड़का है, उसकी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, तो बस उसको ही बॉटल लगाने की तैयारी चल रही है। और यहाँ पर मैंने ली है DNS, आप लोग देख सकते हो DNS। और ये है हमारा IV सेट। तो बहुत सारे लोगों को पता ही है कि कैसे बॉटल को कनेक्ट किया जाता है, क्योंकि मैंने बहुत सारी वीडियोस बना रखी है बॉटल के ऊपर। तो जिन लोगों को पता है उनको तो कोई बात ही नहीं है, और जिनको नहीं पता है आज वो मेरी इस वीडियो में देख के पूरा सीख सकते हैं। तो गाइज, जब भी हम IV सेट को ओपन करते हैं, तो सबसे पहले हमें ये ध्यान रखना होता है कि उसका जो बटन होता है वो हमें नीचे की साइड में प्रेस करना रहता है, क्योंकि वो ऊपर रहता है तो वो हमेशा चालू रहता है। तो जब आप बॉटल कनेक्ट करेंगे तो उसमें जो भी फ्लूड है वो बाहर आ जाएगा, इसलिए हमें बटन को नीचे के साइड में प्रेस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब आती है बारी बॉटल से कनेक्ट करने की। जी हाँ गाइस, तो आप देख सकते हो मेरे हाथ में IV सेट है, नानी जी से मैं बात कर रही हूँ। तो जी, ऊपर जो टॉप दिया हुआ है, यहाँ पर भी आप बॉटल को कनेक्ट कर सकते हो, या फिर ये साइड का जो एरिया है वहाँ पर भी कर सकते हैं। तो बहुत सारे लोग या तो ऊपर की साइड में करते हैं या फिर साइड में। मैं साइड में इसलिए इसको कनेक्ट करती हूँ क्योंकि इसका जो साइड में जो जगह रहती है ना, वो थोड़ी ज़्यादा रहती है, तो बॉटल को इधर उधर मतलब फिक्स होने में बहुत अच्छा रहता है। अगर हम टॉप एरिया पर इसको फिक्स करते हैं, और अगर मान लीजिए साइड में थोड़ी सी भी चली गई, तो वो बाहर की साइड में हो जाएगी और लीक होना स्टार्ट हो जाएगी। इसलिए मैं इसके नीचे वाले हिस्से में इसको कनेक्ट करती हूँ। और आप देख सकते हो यहाँ पर मैं इसकी एयर निकाल रही हूँ। और घर पर ऐसा ही है यार गाइस, हॉस्पिटल में प्रॉपर रहता है ना, और अपने घर की बात होती है तो फिर हम ज़्यादा सीरियस होते ही नहीं, और मजाक मस्ती में काम करते हैं। आप देख सकते हो यहाँ पर मैं बॉटल को मैंने अच्छे से कनेक्ट कर लिया है, उसमें जो भी एयर थी वो भी मैंने निकाल ली है। और अब बस हम इसमें जो इंजेक्शन है वो भी डाल देंगे। तो यहाँ पर मैंने ली है 3 ml की सिरिंज, और मेरे पास 5 ml की सिरिंज नहीं थी, इसलिए मैंने 3 ml से ही काम कर लिया। मैंने आपको बहुत सारी वीडियोस में बताया है कि आप हमेशा या तो 10 ml की सिरिंज यूज़ करें, 10 ml का अगर इंजेक्शन डाल रहे हो, या फिर 5 ml की। पर मेरे पास ना 5 ml थी ना 10 ml, ये 3 ml है, इसलिए मुझे इसमें 3 बार करके इंजेक्शन को लेना पड़ा और बॉटल में डालना पड़ा। क्योंकि 3 ml में आप जानते हो 3 ml ही ले सकते हो, 10 ml का इंजेक्शन है तो 3 बार लेना ही लेना है, क्योंकि 333 तो 3 बार होकर हमारा 10 ml कंप्लीट होगा। और ये जो मैं इंजेक्शन बोतल में डाल रही हूँ वो है हमारा मल्टी विटामिन। जी हाँ गाइस, जिसको बोलते हैं MVI, शॉर्ट फॉर्म में MVI बोला जाता है, और फुल नेम उसका है मल्टी विटामिन इंजेक्शन 10 ml, जो कि इस तरह के एम्पुल में आता है। और ये वाली चीज़ तो आपने कई बार कई वीडियो में देखी है, अधिकतर डॉक्टर सभी मतलब अधिकतर केसेस में ये वाला बॉटल इंजेक्शन लिखते ही हैं, क्योंकि मल्टी विटामिन आपको पता ही है क्यों दिया जाता है, तो बस उसी लिए अधिकतर डॉक्टर्स ये वाला इंजेक्शन और बॉटल लिखते ही हैं। तो यहाँ पर मैंने ऑलमोस्ट सारा जो भी था वो बॉटल में डाल दिया है, और अब हम बॉटल कनेक्ट करेंगे पेशेंट को। और आप लोगों को पता है पेशेंट भी हमारा ऐसा है कि बस पूछो ही मत, 2 दिन से बोल रही हूँ बॉटल लगवा लो बॉटल लगवा लो, पर नहीं लगवानी, यही नाटक चल रहे। तो आज मैंने सोचा नहीं, आज तो इसको बॉटल लगा कर ही रहेंगे, तो बस बहुत ज़बरदस्ती करके उसको बॉटल लगा रहे हैं। और पीछे आप देख सकते हो नानी जी कितनी ज़्यादा बात कर रहे हैं हमारी ओरियो से। आपको पता ही है ओरियो कितनी मस्ती करती है, और जिन लोगों ने मेरे 2 ब्लॉग देखे उनको तो पता ही है कि ओरियो की नाटक, उसकी मस्ती। और आप देख सकते हो कितनी बार मैंने इंजेक्शन को लेके उसके अंदर डाला है। मैंने आपको यही बात बोली है हमेशा हर वीडियो में, कि जितना हमारा मतलब जो इंजेक्शन होता है, जितना क्वांटिटी होती है उसके हिसाब से हमें सिरिंज लेनी चाहिए, नहीं तो हम बार 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 एक ही प्रोसेस को करके थक जाएंगे, और हमें बहुत ज़्यादा टाइम भी लगेगा। इसलिए आप ये चीज़ ज़रूर ध्यान रखें। मेरे साथ तो ऐसा पहली बार हुआ है कि मैंने 3 ml की सिरिंज, वो तो क्या है ना, घर पर थी मैं और मेरे पास कोई सिरिंज नहीं थी, तो मैंने सोचा चलो ठीक है 3 ml से ही हम अपना काम कर लेते। तो चलिए गाइस, आप बॉटल इंजेक्शन कनेक्ट करनी है, बॉटल चलो टाइम हो गया, अब फेंक दूंगी मैं, तुम तो आ जाओ, मरीज को इतनी चिंता होती है क्या। लो इसकी बोतल के लिए टांग दी नली, ये वहां पे टांग दो ना, ये री डोरी पेशेंट से बोतल के लिए बदलवा भी दी डोरी पेशेंट ही हमारा सब काम कर देता है। इतनी सारी तो वेने हो रही, अच्छी अच्छी और कई चाहिए। अंगूठा अंदर, मुट्ठी टाइट बंद, बस ले लो आप।
कभी कभी आप लोगों को लगता होगा कि मैं बिल्कुल भी सीरियस नहीं होती हूँ काम को लेकर भी, तो गाइज ऐसा नहीं है यार, क्या करें, घर का माहौल ही ऐसा रहता है ना, तो हम सीरियस नहीं हो पाते हैं और मैं बहुत मस्ती मजाक करती रहती हूँ। और मैं पेशेंट को बोल रही हूँ कि अरे तुम्हारी तो बहुत सारी वैन है, कहीं पर भी लगा दूँ, तो बोल रहा है बस कहीं भी देख लो और अच्छी सी वैन में लगा दो। तो आपने देखा यहाँ पर हमने एक बार फिर से बॉटल को चेक किया था, सारी एयर इसमें जो थी वो मैंने निकाल ली थी, वो मैं आप लोगों के साथ में सेकेंड टाइम शेयर नहीं कर पाई। और आप देख सकते हो मुझे अच्छी सी वैन मिल गई, और मेरे पास बेल्ट नहीं था घर पे, तो उसने ये थोड़ा सा टाइट पकड़ लिया था, और वैन कितनी प्रॉपर दिख रही गाइज, आप लोगों को भी दिख रही होगी शायद कैमरे में बहुत अच्छे से। तो बस हमें नीडल को अंदर की साइड में डालना है, पुश करना है, और आप देख सकते हो पीछे की साइड में हल्का सा ब्लड आ गया। जैसे ब्लड आ जाए तो हमें बॉटल को स्टार्ट कर देना है, और 2 मिनट के लिए देखना है कि स्वेलिंग तो नहीं आई है। अगर स्वेलिंग नहीं आती तो हमारी बॉटल प्रॉपर कनेक्ट हो गई है, उसके बाद हम उसको टैप करके अच्छे से कनेक्ट कर देंगे। तो आप लोगों को यहाँ पे अच्छे समझ में आया कि मैंने डायरेक्ट आईवी, मतलब डायरेक्ट आईवी कैसे दिया है, डायरेक्ट बॉटल मैंने कैसे लगाई है। जिन लोगों को सीखना था वो ये वीडियो देखकर सीख सकते हैं, बट ट्राई ना करें, और ट्राई करते हैं तो प्लीज़ किसी को ऐसे व्यक्ति को साथ में रखें जिसको पूरा नॉलेज हो, और पूरी सावधानी के साथ आप इसे लगाएँ। तो आप देख सकते हो बॉटल को मैं एक जो उसका प्रोसेस रहता है कि हमें कितनी कितने टाइम में देनी लग गई है हमारे मरीज को, और मरीज ने खुद ने ही बोतल टांग दी, आपको पता है घूर में हमने बोतल कंटेंट कर दी। कल भी लगाएंगे, 3 दिन से लगाएंगे इनको ये, क्योंकि बहुत ज्यादा आजकल ना मम्मी से झगड़ा करने लग गई, इसलिए बोतल लगाने की ज्यादा जरूरत है इनको। चलो ठीक है, चलो भाई देखो देखो मरीज को देखो, बोतल लग रही है, फिर भी फोन नहीं छूट रहा है हाथ से। वैसे मरीज हो या कोई भी हो, मोबाइल तो पहले है ना, और पेशेंट की माँ को कैसा लग रहा है? बहुत अच्छे लग रहे हैं गाइस, क्या क्या कर रहे हैं? वो बीमारी ऐसा कि कुछ समझ नहीं आ रहा है कि वो बीमार है कि नहीं, क्या करो, वो क्या है, सीरियस होता ही नहीं है, पर जरूरी थी गाइस लगानी। अच्छा लग रहा है। अरे यार ये ना रात भर नहीं सोएगी, ये मेरे पेट पे चढ़ जाएगी, रात को किस करती गाइस मानो फूल आगे। अरे आज रोटी भी नहीं खाई इसने, क्या रोटी क्यों नहीं खाई, रोटी क्यों नहीं खाई, बोले नहीं खाऊंगा, बोल नहीं खाऊंगा मैं रोटी, नहीं खाऊंगा नहीं। चलो बिस्तर कर लो अपने। hey, मेरा बिस्तर हो गया है, दीदी ने मेरा बिस्तर लगा दिया, मैं तो सोऊंगी, मैं थक गई हूँ बहुत ज्यादा, अब हम सोएंगे यार। पेशेंट का ध्यान भी रखना पड़ेगा, बोतल भी लग रही है, बस अब सोएंगे। 7% मोबाइल की बैटरी रह गई है गाइस, क्या कर रहे हैं यार। और कौन सोया है इधर? और बाप रे नानी जी के पास सोएगा तू? इधर तो देख ले, ए इधर देखना यार, और यो इधर देख, भाग गई भाग गई, ए भाग जाएगी भाग जाएगी भाग जाएगी भाग जाएगी भाग जाएगी, उन्हें मुंह खोले मारूंगी मैं, अगर नाखून लगाए मेरे को तो, रात को नाखून लगाती है ये, भागेगा नहीं भागूंगा, बोल दे नहीं भागूंगा, लो इसको उड़ा दो उड़ा दो, इसको उड़ा दो, तो ये तभी सोएगी, ये भाग रहा, छोड़ छोड़ छोड़, ये कैसे भाग रही, इसके मजे आ रहे। गुड नाइट और गुड नाइट, गुड नाइट कर ले यार बाबू, गुड नाइट गुड नाइट गुड नाइट गुड नाइट गुड नाइट, रात को उठना मत मेरे पास बिल्कुल, अभी दांत कितने बेकार हो गए इसके दो, रात में दौड़ दौड़ कर जाती है और ना बहुत परेशान करती है, अभी देखा ना आपने कैसे दौड़, और देखो 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 इसको कैसे सो रही है, बच्चे जैसी नानी जी के पास में, बहुत मस्ती करती है बहुत। अरे गाइस अब सोएंगे, गुड नाइट सभी को, अभी रात की 11:30 बज गई है, और अभी 3 घंटे बाद ये बॉटल भी हो जाएगी, तो इसको भी निकालना, इसका भी ध्यान रखना पड़ेगा, तो थोड़ी देर रेस्ट कर लेते हैं, सुबह जल्दी भी उठना है, ऑफिस भी जाना है। चलिए गाइस बाय बाय, गुड नाइट।